तो हेलो भाई लोग, मैं फिर से चला आया आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और आप लोग भी देखो कि जे मौली मच्छ का लाइव बेबी कैसे देता है। बहुत लोग सोचते होंगे या बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि मौली मच्छ अंडा देता है या डायरेक्ट फ्राई देता है, तो उनका डाउट भी आज ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखिए, जो मौली मच्छ है, देखिए अब भी बच्चा छोड़ा। देखिए, मैं जब वीडियो शुरू किया था तो 5 बेबी था ये मॉक के अंदर, और अभी देखिए गिन लीजिए थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बेबी है, ठीक है। अभी सिर्फ वेट कीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिए। और जो फीमेल फिश है, ये ब्लैक मौली फिश है, तो ये ब्लैक मौली को देखिए, देखिए अभी गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी 2 बच्चा देखिए नीचे जो गिरा हुआ है। पहले देखिए बच्चा जो छोड़ रहा है, ये फीमेल फिश, वो बच्चा नीचे गिर रहा है, फिर जाके वो तैर रहा है या स्विमिंग कर रहा है। तो आपके आँखों के सामने देख सकते हो कैसे ये लाइव ब्रीड करता है, ब्रीड नहीं सॉरी, लाइव बेबी या फ्राई देता है। तो आप भी ये घर में कर सकते हो। क्या करोगे कि मौली फिश को ब्रीडिंग करोगे, पहले ब्रीडिंग कैसे करोगे वो वैसे वीडियो मैं चैनल में पहले से ही बना के रखा हूँ, आप जाके वो वीडियो देख लेना। वो सेम प्रोसेस में, कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है, पूरा मतलब घर पे ब्रीडिंग किया हुआ है। अभी सिर्फ देखते जाइए कितना फ्राई देता है एक मौली फिश। अभी देखिए 5 बेबी था पहले, मतलब उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं जब तक वीडियो शुरू किया तब तक 5 बेबी हो गया था। तो अभी देखिए कितना धीरे धीरे ये पूरा भर जाएगा, मतलब एक मौली फिश करीब 60 से 70 पीस बेबी देता है, अगर उसको बहुत अच्छे से जगह में रखो, अच्छा खाना दो, सब कुछ ध्यान से देखोगे तो बहुत फ्राई निकल सकते हो एक फीमेल मौली फिश से। तो सिर्फ मेरा 4 मेल था और ये एक फीमेल फिश था, सॉरी 4 फीमेल था 1 मेल था, उनमें से ये ब्रीडिंग हुआ, ये इसके साथ ब्रीडिंग होकर देखिए अब ये फाइनल रिजल्ट है। मैं अभी तो छोड़ दूंगा क्योंकि इतना बेबी बहुत है इसके लिए। तो ये बेबी भी आप बहुत ध्यान से बड़ा करके उनसे भी आप बच्चा निकाल सकते हो। तो फिश फ्राई का कैसे केयर करना है, बेबी का कैसे केयर करना है, वो भी वीडियो है चैनल में। शायद लैंग्वेज अलग होगा, मतलब बंगाली में होगा शायद, तो उसके लिए मैं अच्छे से हिंदी में भी वीडियो ला दूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही।